शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग उल्लासनगर, तो आप सभी का एक बार स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज की इस भव्य स्टेज पे। स्वागत करता हूं मैं आपका खुशियों के मेले में। जी हां, ब्रह्मा कुमारियों ने आज मुझे यहां बुलाया है आपको खुशी का अनुभव कराने के लिए, आपको खुशी का राज बताने के लिए। खुशी एकमात्र खजाना है जो मनुष्य के पास ही है, किंतु आज का मानव शायद इसे भूल चुका है। इसलिए मैं आज आपको इसका अनुभव कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ मेरी दुनिया में, खुशियों की दुनिया में, जहां सिर्फ आनंद का ही राज होता है। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुग एक भारत मुस्का रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देखा आपने ये कितने न आनंद में हैं और आनंद की रास कर रहे हैं। यहाँ का सच्चा खजाना आनंद और खुशी है। खुशी, मुस्कुराहट, आनंद तो आपका भी आंतरिक गुण है। इसे आप सदा ही अपने साथ रख सकते हैं, किंतु जब खुशी अंदर से बाहर की वस्तुओं पर आधारित हो जाती है तो वो खुशी स्थायी नहीं रहती, क्योंकि बाहर की वस्तुएं तो परिवर्तनशील हैं, क्योंकि प्रकृति सदा ही परिवर्तनशील है। चाहे वो आपका अपना शरीर ही क्यों ना हो, इसलिए धन, वस्तुएं, पदार्थ, इन सब का भी एक चक्रव्यूह है। इस चक्र में जो फंस जाते हैं उनकी खुशी चली जाती है। वो कौन सा चक्र है, आइए इस दृष्टांत से समझते हैं। अपने मंत्री के साथ रास्ते से गुजरता है और एक खुशहाल व्यक्ति को देखता है जो अपने परिवार के साथ हंस रहा है, खेल रहा है
और अपने जीवन में खुशी के पल व्यतीत कर रहा है। राजा अपने मंत्री से पूछता है, हे मंत्री, यह व्यक्ति कितना ना खुश है, यह इतना खुश क्यों है? तो मंत्री राजा को बताता है कि हे राजन, यह 99 क्लब का मेंबर नहीं है, यह 99 क्लब का मेंबर नहीं है। राजा कहता है, 99 क्लब ये क्या है? मंत्री राजा को कहता है कि मैं अभी समझाता हूँ राजन, आप मुझे केवल 99 अशर्फियां दीजिए। मंत्री राजा से 99 अशर्फियां लेकर रात के अंधेरे में उस किसान के घर के बाहर 99 सोने के सिक्कों की थैली रखकर आ जाता है। सुबह उठते ही जैसे ही वो व्यक्ति उस थैले को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, यह क्या? जब वह थैला खोलता है तो उसमें 99 अशर्फियां। वह अपने पत्नी और बच्चों दोनों से गिनती करवाता है। तो वह भी उसे 99 ही बताते हैं। अब उस व्यक्ति को चिंता लग जाती है कि इसमें एक अशर्फी की कमी है, क्यों न मैं इसे 100 में परिवर्तन कर लूं। वह किसान दिन रात मेहनत में जुट जाता है, न उसे भोजन खाने का समय मिलता है, न परिवार के साथ हंसने बहलने का समय मिल पाता है। अब उसे 100 अशर्फियां पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही 100 सिक्के होते हैं, उसकी पत्नी एक सिक्का खर्च कर देती है। अब किसान सोचता है, ये क्या, फिर से 99? अब तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे 100 का आंकड़ा पूरा करना होगा। मुझे 100 अशर्फियों का मालिक बनना है। और वह फिर से दिन रात कड़ी मेहनत में लग जाता है और इस तरह वह ऑफिशियल 99 क्लब का मेंबर बन जाता है। कहीं आप भी 99 क्लब के मेंबर तो नहीं हैं? देख लेना, वरना खुशी तो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। यह ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि 99 और 100 सदा ही चक्र में आते रहेंगे और आप उसको पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। आप धन कमाओ भल, किंतु धन आपको आपके परिवार से, साथियों से व खुशी से दूर न कर दे। जो चीजें आपके पास हैं, उन्हीं के साथ खुश रहना सीखिए। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश रहकर काम करोगे
तो खुशी जरूर मिलेगी। खुश रहना है तो उन चीजों की इच्छा करना छोड़ दे जो आपकी क्षमता से परे है। खुश नसीब वह है जो अपने भाग्य से खुश है, अपने भाग्य से नाराज नहीं है। तो चलिए आज तो इस खुशी का, आनंद का अनुभव कर ले। सब कुछ भुलाकर चले खुशियों की दुनिया में। आइए मेरे साथ रास करें। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। देखी आप सबने दिव्य दुनिया, सबको अच्छी लगती है ऐसी दुनिया, मुझे भी प्रिय है। किंतु आप अपनी दुनिया ऐसी कब बनाएंगे? बनाना चाहते हैं तो सुनिए, समस्याएं विघ्न व परिस्थितियां सबके जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी थी, पर उन सबको दिव्यता से खुशी खुशी पार किया। इन सब का आधार है हमारी सोच। देखा जाए तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही शक्ति हमारे से प्रकृति, व्यक्तियों
वह हमारे ही शरीर में जाती है और चाहते न चाहते हम वह चीजें जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। इन सब का आधार है हमारी सोच। देखा जाए तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही शक्ति हमारे से प्रकृति व्यक्तियों व हमारे ही शरीर में जाती है और चाहते न चाहते हम वह चीजें जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। यानी हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं या अनुभव करते हैं। इसलिए आज आपको कुछ अभिपुष्टियों यानी जीवन में क्या क्या सोच करनी है ये अभ्यास करवाते हैं। रोज सुबह उठते व रात को सोते वक्त आपको ये अभ्यास करना है। तो आप सभी तैयार हैं इस अभ्यास के लिए? चलिए मैं खुश नसीब हूं, संसार में सबसे खुश नसीब। मैं खुश नसीब हूं, संसार में सबसे खुश नसीब। मेरे पास सच्ची खुशी है, मेरे पास सच्ची खुशी है। खुशी मेरा अपना निजी गुण है, खुशी मेरा अपना निजी गुण है। मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ स्वयं मैं हूं, मेरी खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ स्वयं मैं हूं। मेरी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं, मेरी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं अपनी खुशी नहीं छोड़ूंगा। खुशियों का माहौल बनाने के लिए इस गोल मैदान के परिसर में हैप्पीनेस स्ट्रीट का आयोजन किया है और हम सभी इस हैप्पीनेस स्ट्रीट में अपनी अपनी तरफ से सभी को खुशियां बांट रहे हैं। आज सभी के चेहरे बहुत खुश है, लगता है घर में किसी को नाश्ता बनाने का भी कोई चिंता नहीं है। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो तभी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खुशी से आत्मा भरपूर हो जाती है। तो इस खुशी से अपने आप को भरपूर करने के लिए, खुशी से अपने आप को भरपूर कैसे हम करें, ये खुशी सिर्फ आज का दिन नहीं परंतु यह खुशी सदा ही हमारे साथ रहे, हमारी संपत्ति बन के रहे, ऐसी आशीर्वचन देने के लिए हमारे आदरणीय दीदी जी, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके संकल्पों से यह सुंदर एक स्टॉल आप सभी को हम दे सके हैं, तो आप सभी ज़रूर ज़रूर आशीर्वचन का लाभ लेंगे। और सभी बहुत ही खुशियों में नाच रहे हैं और हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं कि आप सभी
ज़रूर ज़रूर इन खुशियों को अपने साथ भरपूर लेकर जाएं, ये खुशी का उपहार लेकर जाएं। लिसन कॉल, और जो भी यहाँ पर आए वह यहाँ पर जो एंजल्स खड़े हैं, ये आप ये गॉड के एंजल हैं जो आप सभी को बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग कार्ड देंगे, जो आपके जीवन के लिए एक वरदान है। इस मेले से ये प्रसाद ज़रूर ज़रूर लेकर जाएं। अब हमारे आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में हैं और आदरणीय दीदी जी के द्वारा हम आशीर्वचन सुनेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट शो जो है वो चालू होगा। ओम शांति। आप सबको मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। इस ओम शांति के मंत्र को पढ़ा के शांति के दाता परम पिता परमात्मा निराकार शिव हम सब के लिए आज जैसी दुनिया मुस्कुरा रही है, हमारे शहर की दुनिया, और हमारे बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है, हे बच्चे ऐसा संसार तुम बच्चों को बनाना है, और तुम बच्चों को बनाना नहीं है, पहले बन के दिखाना है। जब हम खुद बन जाएंगे तो कहते जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो मेरी शुभकामना है आप सब के सब उस पिता परमात्मा का जो हार्दिक निमंत्रण है और उसका हम सब बच्चों के लिए प्यार है, प्यार में पुचकार है, वो पुचकार प्राप्त करने के लिए आज आप दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम भी इस दुनिया में चलने की तैयारी करेंगे, तब हमको भी बहुत बहुत अंदर हर्ष होगा। मैं आप सबके लिए शुभकामना करती हूँ कि ऐसा जीवन बनाकर ऐसी दुनिया में चलने की टिकट ले लो, टिकट मिल रही है वो लेके आया है, टिकट घर बिल्कुल खुला है, सदा करके टिकट ले सकते हैं और वहाँ जाने का वीजा भी आपको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, गारंटी पत्र हमारे पास है, आप ले जाना। उसके साथ साथ मेरा फिर से हार्दिक निमंत्रण है, ऐसी खुशी सदा बनी रहे उसके लिए खुशियों का सागर सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सर्वशक्तियों के दाता परमपिता परमात्मा शिव शक्ति सेना को तैयार करके ऐसा संसार बना रहा है। ऐसे पिता परमात्मा के साथ आप सब भी मददगार बन जाओ तो ऐसे आप कहावत के बीच में शामिल हो जाएंगे। कहते हैं खुदाई खिदमतगार, ऐसी खिदमत करा के वो ऐसा सुंदर जीवन प्रैक्टिकल में प्रदान कर रहा है। ये हमारा कथन नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, हम उस जीवन को अपनाएं। ऐसी मेरी आप सबके आगे नम्र निवेदन है, आप ले लो टिकट, घर बंद ना हो जावे, उसके खुले खुले आप आकर के सबके सब ले लो। ओम शांति। मैं हूं कृष्ण, आपका कृष्ण, आपने मुझे वृंदावन में देखा है, मथुरा में देखा है, महाभारत में देखा है, पांडवों के साथ बुराई का खात्मा करते देखा है। आज मैं आपके शहर में उल्हास नगर में खुशियां बांटने आया हूं, खुशी जो मानव का आंतरिक एहसास है, जो उसका अपना वास्तविक गुण है,
खजाना है। आज मैं आपको मेरी दुनिया स्वर्ग वैकुंठ में लेके चलता हूं, जहां दुख का नामो निशान नहीं, जहां हर एक आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही है, जहां विकार का नामो निशान नहीं है। इसलिए न कोई दुख है न कोई चिंता, हर मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न है, इसलिए देवता है। इसलिए न कोई झगड़ा है न कोई खिटपिट है। आइए मेरे साथ खुशियों की दुनिया में, जहां गम का नाम नहीं डिक्शनरी में भी। ये दुनिया इसी धरती पर थी, जी हां इसी धरती पर यह संसार था। आज भूल जाइए अपने सारे तनाव को, अपनी सारी चिंताओं को, और खो जाएं खुशियों से भरी दुनिया में मेरे साथ। देखा आपने पवित्र दुनिया को, खुशनुमा दुनिया को। ये दुनिया ऐसी इसलिए है कि हर एक के मन में एक दूसरे के लिए भाईचारा है, दूसरों के लिए एहसास है, अपनापन है। वैसे तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कुराने का रंग एक ही होता है, और
अगर हम दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। आइए इस दृष्टांत से समझते हैं। एक बार गुरु अपने दो शिष्यों को गुलाब की टोकरी देता है और कहता है, सुनो जाओ ये गुलाब गांव के लोगों को बांटकर आओ, किंतु ध्यान रहे सिर्फ उन व्यक्तियों को ही ये फूल देना जो मुस्कुरा रहे हो। दोनों जाते हैं, एक शिष्य को कोई भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता और कहता है, अरे यहां तो सबके चेहरे पे जैसे सांप सूंघ गया है, कोई भी मुस्कुरा ही नहीं रहा, किसको फूल दूं, चलो गुरुजी को वापस दे देता हूं। वह वापस लौट कर आता है। गुरुजी, इस गांव में तो कोई भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति ही नहीं। अब दूसरा शिष्य उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, परंतु वह पहले खुद सबके साथ मुस्कुराकर मिलता है तो वो भी उनसे मुस्कुराते हैं और इस तरह से सबको फूल देता जाता है और फूलों की टोकरी खाली करके आता है। गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गुरुजी कहते हैं, तुमने दूसरों के चेहरे पे हंसी लाई, खुशी लाई, अब तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशी कोई नहीं छीन सकता। यही राज है खुश रहने का। आप दूसरों के जीवन में खुशियां लाओ तो आपका जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। देखा आपने, जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। इसलिए इतने खुश रहो कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि आपके अलावा आपकी खुशी का कोई भी प्रभारी यानी इंचार्ज कोई और नहीं, और इसके लिए सिर्फ दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, उनके दुख दर्द समस्याओं में उनके मददगार बनो, उनके चेहरे पर हंसी लाओ, तब आपका जीवन मुस्कुराएगा। तो चलिए एक बार फिर से उसी दुनिया में चलते हैं जहां प्रेम है, अपनापन है, दया है और इसलिए जीवन में खुशी है, रास है। आनंद, आनंद, स्वर्ग
देखी आप सबने दिव्य दुनिया, सबको अच्छी लगती है ऐसी दुनिया, मुझे भी प्रिय है, किंतु आप अपनी दुनिया ऐसी कब बनाएंगे? बनाना चाहते हैं तो सुनिए, समस्याएं विघ्न व परिस्थितियां सबके जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी थी, पर उन सबको दिव्यता से खुशी खुशी पार किया। इन सब का आधार है हमारी सोच। देखा जाए तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही शक्ति हमारे से प्रकृति, व्यक्तियों व हमारे ही शरीर में जाती है, और चाहते न चाहते हम वह चीजें जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। इन सब का आधार है हमारी सोच। देखा जाए तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही शक्ति हमारे से प्रकृति, व्यक्तियों व हमारे ही शरीर में जाती है, और चाहते न चाहते हम वह चीजें जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। यानी हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं या अनुभव करते हैं। इसलिए आज आपको कुछ अभिपुष्टियों यानी जीवन में क्या क्या सोच करनी है ये अभ्यास करवाते हैं। रोज सुबह उठते व रात को सोते वक्त आपको ये अभ्यास करना है। तो आप सभी तैयार हैं इस अभ्यास के लिए? चलिए मैं खुश नसीब हूं, संसार में सबसे खुश नसीब मैं खुश नसीब हूं, संसार में सबसे खुश नसीब मेरे पास सच्ची खुशी है, मेरे पास सच्ची खुशी है, खुशी मेरा अपना निजी गुण है, खुशी मेरा अपना निजी गुण है, मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मेरी खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ स्वयं मैं हूं, मेरी खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ स्वयं मैं हूं, मेरी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं, मेरी खुशी की चाबी किसी और के पास नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं अपनी खुशी नहीं छोड़ूंगा,